अबरार साहब का जितना कंट्रीब्यूशन इस सेंटर में है, लोग कहा करते थे कि अबरार साहब जब बाहर पोस्ट हो जाते थे दिल्ली के बाहर, तो वो बैग बाद में रखते थे अपने घर, पहले इंडिया इस्लामिक सेंटर का खैरियत लेने आते थे और वो हमें बैकअप किया करते थे, पार्टनर, पढ़ाई कैसी चल रही है, आप कैसे हो। तो हमें बड़ा अच्छा लगता था कि क्लास वन ऑफिसर हमसे ये सब पूछ रहा है। तो मैं अबरार साहब की जितनी भी कुर्बानी है उसको भूल नहीं सकता और इसीलिए शायद मैं इस ग्रुप में आया। झूठ से दूर, खबरों से भरपूर, आप देख रहे हैं वतन समाचार। मैं हूं मोहम्मद अहमद। मेरे साथ बातचीत करने के लिए आज मोहम्मद इकबाल साहब हैं। आप भारत सरकार में मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड प्रोसेसिंग में अंडर सेक्रेटरी हैं। इनकी खास बात यह है कि जो इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर है, इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के ये अलुमनाई रहे हैं, वहाँ से आपने पढ़ाई की है और वहीं की पढ़ाई की बदौलत आप आज भारत सरकार में देश की और समाज की सेवा कर रहे हैं। इकबाल साहब, आप भारत सरकार में काम कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं और इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर से 90s से आप जुड़े हुए हैं, लगभग 34-35 साल का अरसा होता है। कैसे आप इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर से जुड़े और वो कौन सी वजूहात रही जिन्होंने आपको इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में कोचिंग के लिए मजबूर किया? मैं अलीगढ़ में MSc कर रहा था मैथमेटिक्स से, मैंने वहाँ से MSc की थी। उसके बाद एक पोस्ट MSc डिप्लोमा किया था इंडस्ट्रियल मैथ में। दैट डिप्लोमा वॉज इक्विवेलेंट टू 1 पेपर ऑफ MPhil। तो ये था ख्याल में कि भाई PhD की तरफ जाएँ या ऑल इंडिया कम्पटिशन की तरफ जाएँ। तो किसी अच्छे इंसान ने ये बताया कि अगर आप PhD करेंगे तो आपको वहीं फिर 4-5 साल के बाद जॉब की तलाश करना पड़ेगी, क्यों ना आप अभी ही ऑल इंडिया कम्पटिशन लें और 1-2 साल में जॉब हासिल कर सकते हैं। तो मैंने काफ़ी अलीगढ़ में एक्सप्लोर किया लेकिन वहाँ अपॉर्चुनिटी उस वक्त नहीं थी कोचिंग की। तो किसी ने मुझे बताया कि चौधरी मोहम्मद आरिफ साहब जो इंडिया इस्लामिक सेंटर के चेयर, मतलब जो भी रहनुमा हैं, हाँ रूबी रवा हैं, तो उन्होंने वो वहाँ पे कोचिंग कराते हैं और वहाँ पे उस वक्त जब हमने उनको अप्रोच किया चौधरी साहब को, तो हम एक नया आइडिया लेके उनके पास आए थे। वहाँ सिर्फ सिविल सर्विस की कोचिंग होती थी इंडिया इस्लामिक सेंटर में और चौधरी साहब को पिछले 2.5 साल से वहाँ कोई रिज़ल्ट नहीं मिला था। वहाँ 25 स्टूडेंट रहा करते थे तो उनको कोई रिज़ल्ट नहीं मिलता था। सभी उनसे पूछते थे, साहब आपके जो बच्चे रहते हैं इसमें स्टूडेंट हैं, कोई रिज़ल्ट आया, कोई किसी का कोई सिलेक्शन हुआ? तो वो बड़े मायूस होते थे। तो हमें उनके पास एक नया आइडिया लेके ये आए थे कि हमने कहा साहब ऐसा है कि सिविल सर्विस के अलावा भी बहुत से ऐसे एग्ज़ाम हैं, जैसे EPFO में असिस्टेंट कमिश्नर है जिसका सिर्फ 2 घंटे का पेपर होता है और उसका स्केल सिविल सर्विस के ही बराबर होता है। एक असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट होती है CRPF में, BSF में, ITBP में, वो भी एक IAS के स्केल के बराबर होती है और उसका भी पेपर 2 घंटे का होता है और थोड़ा फिजिकल होता है। तो कम एफर्ट्स में आदमी क्लास वन बन जाता है। तो ये आइडिया हमने चौधरी साहब को दिया तो चौधरी साहब ने हमें वहाँ पे जगह दी इंडिया इस्लामिक सेंटर में और उन्होंने हमें एक टास्क दिया कि इकबाल तुम ऐसा करो कि असिस्टेंट ग्रेड जो सेंट्रल सेक्रेटरीट की सर्विस होती है वो कोई कंपटीशन आज तक क्वालिफाई नहीं कर पाया यहाँ पे, तुम इसकी तैयारी करो, ये मुझे करके दिखाओ। तो मैंने ये टास्क उनसे लिया और मैं 1.5 साल मैंने 14 घंटे वहाँ पढ़ाई की और वहाँ कोचिंग ली और आपकी दुआ से 1.5 साल के बाद मैं वहाँ पर मेरा सिलेक्शन, सबसे पहला मैं स्टूडेंट था जिसका वहाँ सिलेक्शन हुआ और चौधरी साहब बहुत ज़्यादा खुश हुए और वो तमाम में ये कोट किया करते थे कि इंडिया इस्लामिक सेंटर से भी अब बच्चों का सिलेक्शन होने लगा है। तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि इकबाल तुम अभी यहाँ से, मैंने 94 में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ज्वाइन कर ली थी, उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि इकबाल तुम यहाँ पे 1.5-2 साल और रुको और जो बच्चे बाकी हैं उनको भी कोचिंग दो। तो मैंने उन बच्चों की कोचिंग वहाँ पे स्टार्ट की और आपकी दुआ से 1.5 साल में बाकी जितने भी बच्चे थे सभी का सिलेक्शन हो गया और ये इंडिया इस्लामिक सेंटर की बहुत बड़ी देन थी। और एक उससे भी बड़ी देन ये थी, मैं ये शुक्रगुजार, मेरे दिल में हमेशा यही था कि मैं इंडिया इस्लामिक सेंटर ने मेरे साथ इतना किया है तो मैं इंडिया इस्लामिक सेंटर को क्या दे सकता हूँ, क्या 24 घंटे मेरे दिमाग में यही बात रहती थी। लेकिन अल्लाह ने मुझे एक ऐसा मुकाम दिखाया कि उसने मुझे अंडर सेक्रेटरी लुटियन जोन बनाया। आई वॉज़ द फर्स्ट मुस्लिम हु बिकेम द अंडर सेक्रेटरी ऑफ लुटियन जोन। इसकी अगर मैं डिटेल में जाऊँगा तो बहुत लंबी है, लेकिन उसी लुटियन जोन में ये इंडिया इस्लामिक सेंटर भी आता था और मुझे, मैं बड़ी हैरत में था, मैं उस वक्त मेंबर नहीं था। तो मैंने एक दिन क्या देखा कि मेरे ऑफिस में सिराजुद्दीन कुरैशी साहब अपनी पूरी टीम के साथ मौजूद हैं। तो मैंने कहा साहब क्या आप कैसे आए?
तो बोले भाई हमें हमने ये सुना है कि आपने इंडिया इस्लामिक सेंटर से पढ़ाई की है, तो आज आपको हमें एक काम करना है। मैंने कहा क्या साहब? बोले आप जिस मिनिस्ट्री में हैं, जिस जगह हैं, जो ओहदा है आपका, आप हमें FAR बढ़ाने में या दूसरे इशूज़ में काम आ सकते हैं, आप ये काम कीजिए प्लीज़। तो आपकी दुआ से मैंने 2 साल सिराजुद्दीन साहब के साथ काम किया और वो FAR आज बड़ा मिल गया है, और उस जो भी टीम नई आएगी तो इंशाअल्लाह उस पर काम आगे होगा। और मेरे कई इश्यूज थे NDMC को लेकर, टैक्सेस के, इंडिया इस्लामिक सेंटर के, वो भी मैंने आपकी दुआ से वहाँ पे सॉर्ट आउट कराया। और इकबाल साहब, एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि आपने एक मीटिंग में ये बताया कि अब्रार साहब आते थे और आप लोगों की खैरियत मालूम करते थे, वो पूरी क्या कहानी है? वो ये है कि अगर इस सेंटर को बचाने में किसी, मैं 4 लोगों का नाम लेता हूँ, एक तो चौधरी मोहम्मद आरिफ साहब, अब्रार साहब और ज़फ़र महमूद साहब, क्योंकि मेरे कंपटीटर हैं इसमें, लेकिन मुझे ये मतलब कोई एतराज़ नहीं है उनका नाम लेने का, उनका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा था। यानी कि वो चौधरी मोहम्मद आरिफ के, अब्रार साहब और ज़फ़र महमूद साहब दायां और बायां हाथ थे। और उसके बाद जो इसमें पिक्चर में आए थे वो आए थे मूसा रज़ा साहब। मूसा रज़ा साहब ने हमें बहुत पढ़ाया है, हमें लेक्चर दिया करते थे। चौधरी आरिफ मोहम्मद साहब, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, मुझे भेजा करते थे उनके घर पर मूसा रज़ा साहब के बहुत से कामों के लिए। मैं ज़फ़र महमूद साहब के घर भी जाता था कामों के लिए, अब्रार साहब के पास भी जाता था। अब्रार साहब का जितना कंट्रीब्यूशन इस सेंटर में है, लोग कहा करते थे कि अब्रार साहब जब बाहर पोस्ट हो जाते थे दिल्ली के बाहर, तो वो बैग बाद में रखते थे अपने घर, पहले इंडिया इस्लामिक सेंटर का खैरियत लेने आते थे, और वो हमें बैकअप किया करते थे, पार्टनर, पढ़ाई कैसी चल रही है, आप कैसे हो। तो हमें बड़ा अच्छा लगता था कि क्लास 1 ऑफिसर हमसे ये सब पूछ रहा है। तो मैं अब्रार साहब की जितनी भी कुर्बानी है उसको भूल नहीं सकता, और इसीलिए शायद मैं इस ग्रुप में आया कि मैंने कहा कोई ऐसा ग्रुप होना चाहिए जिसने इंडिया इस्लामिक सेंटर को कभी नुकसान ना पहुंचाया हो, जिसने हमेशा फ़ायदा पहुंचाया हो इंडिया इस्लामिक सेंटर का। तो आज मैं अगर कहा जाए तो चेला और उस्ताद दोनों एक ही पैनल में हैं, और अल्लाह ने अगर हमें मौका दिया तो हम सबसे बड़ा काम करेंगे एम्प्लॉयमेंट पर, क्योंकि आज मुस्लिम्स को सबसे बड़ी ज़रूरत है गाइडेंस की। हमारे अंदर गाइडेंस, चाहे वो गाइडेंस एजुकेशनल हो, एम्प्लॉयमेंट को लेके हो, पॉलिटिकल हो, सोशल हो, किसी भी लेवल की गाइडेंस हो, हमारे पास, हमें ये इंडिया इस्लामिक सेंटर एक हब बनाना है, हब ऑफ गाइडेंस। यानी कि अगर आदमी, बच्चा अगर कश्मीर में भी बैठा हो, कन्याकुमारी में बैठा हो, नॉर्थ ईस्ट में हो, कच्छ में बैठा हो, वो एक फ़ोन करे और उसको पूरा गाइडेंस वहाँ से मिल जाए। तो हम, हमारे ये ख्वाब है, और अल्लाह ने अगर हम मौका दिया तो हम इसको पूरा करेंगे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। तो ये थे इकबाल साहब, जिन्होंने कई सारे पहलुओं पर रोशनी डाली। फैसला आपको करना है, आप मेंबर हैं, वोट आपको देना है, 11 अगस्त की तारीख है, लेकिन जिन बिंदुओं की तरफ इकबाल साहब ने इशारा किया है वो बेहद अहम हैं और काफ़ी गौर करने वाले हैं और लायक गौर हैं।